इस गमले में लगा हुआ भैया, ये हमारा आप सामने गुड़हल का पौधा देख रहे हो, तो इस पर आप देख ही रहोगे सामने खूब सारे फूल आ रहे हैं और कलियां भी आ रही हैं, वो इस चीज के लगाने से आ रही हैं भैया। तो इस चीज के बारे में बताऊंगा मैं, आपके किचन में आराम से ही मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और इसके लगाने से ऐसे ही फूल आएंगे, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे गुड़हल के पौधे को देख रेख कैसी करनी चाहिए, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो हमने क्या करते हैं हम लोग गुड़हल के बारे में भैया, कि जैसे जो ढेर सारे जो फूल आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमने पहले ही इसकी यहाँ से जो आप देख रहे हो इसकी जो कट लगा दिया था, कट किसी लगा लाया कि जैसे ही हमने यहाँ से कट लगाया तो हमारी जो कांची ही थी वो यहाँ से आराम से फूटनी चालू हो गई और उस पर ही कली बननी चालू हो गई, जैसा आप सामने जो देख रहे हो, जैसे जिवारी कली जो बन रही है, तो एक की बजाय दो दो तीन तीन जो कली आती है वो इसी तरीका से आती है। तो इस तरीका से हमने देखो यहाँ से ये काटा, तो इस पे भी देखो ये फूल खिल गया और इस पे भी देखो कलियां बननी चालू हो गई। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जैसे हमने गुड़हल का पौधा लगा दिया और हमारे गुड़हल के पौधे पे फूल नहीं आता है और पौधा मतलब ऐसा ही बना रहता है, तो आप उस विषय में आप लोगों को ऐसी बात बताऊंगा कि जैसा आपका गुड़हल का पौधा इस समय अगर होगा तो फूल के मारे लिद जाएगा भैया। तो आपको इस समय ऐसा टाइम चल रहा है कि इस समय आपको कटिंग करना है, तो मैं आपको कटिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरह की आप लोग कटिंग करोगे, पौधे की पलटी भी दिखाऊंगा। क्यों कि अब जो टाइम चल रहा है वो गुड़हल के पौधे पर रंगन मंगन फूल का ही टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी तो आप दो चार ही फूल देख रहे होंगे हमारे जो गुड़हल पे, बहरहाल गुड़हल हमारा जो डबल वाला है बाल्की लगी, मैं तीन तीन कलर की गुड़हल भी बना रहा हूँ। तो भैया देखो आप लोगों को दिखा रहा कि जैसे मैंने उस गमले में फूल आ रहे हैं वो हाइब्रिड गुड़हल है और नई गुड़हल का पौधा था वो। अब ये आपको सामने जो पौधा मैं दिखा रहा हूँ जे वाला, जे भी गुड़हल का पौधा है। तो ऐसे पौधे बहुत सारी कोठियों पे देखे हैं मैंने, क्योंकि ऐसे ही पौधे हो जाते हैं और फूल नहीं आता है, तो मैं आज उसके विषय में बताने जा रहा हूँ कि जैसा आपका पौधा अगर इस तरीके का अगर गमले में लग रहा हो घर पे, तो आप फूल किस कैसे लोगे। और इस समय इतना बढ़िया टाइम चल रहा है इस गुड़हल के फूल लेने का, कोई भी जवाब नहीं होगा और फूल बिल्कुल भी आएगा, ये भी मैं गारंटी से कह रहा हूँ। तो आप लोगों को बीच बीच में क्या करना है इस समय गुलाब का, इसका गुड़हल का, तो आपको गुड़हल का करना ये है कि जैसा आपकी गुड़हल अगर इतनी बड़ी अगर पौधा हो, तो आप लोग बेदर्दी से एक काम करेंगे कि जैसा अभी इस समय कटिंग का टाइम चल रहा है, फुलची जो मैं काटता हूँ वो इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। आप लोगों को जैसे मैं आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ, तो आपको इसकी टॉप काटनी है, जैसे आपकी सामने जो टॉप दिख रही है वो इतनी ऊपर से आराम से काट दो, बस इसकी काटे चले जाओ। और आप इस बात में बिल्कुल भी रहम मत करो, जे टहनी आप आराम से काट दोगे नहीं तो इस पर इतना गचा हुआ फूल आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका पौधा इतना बढ़िया और हेल्थी और सुंदर चलेगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो हम लोग जो है इस तरह की इस समय कटिंग करेंगे, ज्यादा घना पौधा होगा, ज्यादा ब्रांचिंग निकलेंगी और पौधे की खूबसूरती भी बढ़िया अच्छी तरह से बन जाएगी। और इसके अंदर जो होगा जो पौधा, जो हमारा जो दो साल पुराना पौधा जो लग रहा है, तो इसकी मिट्टी की जान भी निकल चुकी है। तो मैं आपको इसकी पलटी करके दिखाऊंगा कि आप लोग इस तरह के पौधा होंगे तो बिल्कुल आराम से इसकी मतलब फुलची काटने के बाद में और इसकी पलटी करनी है आप लोगों को, और पलटी कर दोगे तो आपका पौधा बिल्कुल घना और बढ़िया और सुंदर बन कर आएगा। तो ये चीज मैं आप लोगों को काट के दिखा रहा हूँ, बोलो आप इस समय ये चीज जरूर काटनी है, अगर जे आप काट दोगे तो ऐसा मान के चलिए कि आपका पौधे की उम्र भी बढ़ जाएगी और पौधा भी काफी घना और हेल्थी और बढ़िया हो जाएगा। तो ये आराम से आप ध्यान कर लेना कि इस तरीके से जो मैं काट रहा हूँ इसी तरीके से काटना, बस हल्की हल्की फुलची इस हिसाब से काट दूँ। ऐसा होता है कि जैसे इस समय हमारा फरवरी का महीना चल रहा है कि इस समय तो सारे पौधों की पलटी होती है और नहीं फुटास मार का आता है पौधा, क्योंकि ठंड के बचाव में से इस समय होता है जो भी काम करोगे पलटी का, और अब से लेकर जिस समय पलटी कर दोगे फिर उसके बाद में बरसात में जो भी पौधा बचा वो बरसात में कर दूं, और इस समय कर दोगे तो कोई भी पौधा आपका किसी कीमत पर मर ही नहीं सकता, क्योंकि पौधे का इस समय बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। जो भी हम कटिंग वगैरह लगाते हैं, पौधे जो बनाते हैं वो इसी टाइम में ही बनाते हैं जो भी काम करते हैं। तो हम जिस गमले की अभी आप लोगों को पलटी करके दिखाएंगे और मिट्टी भी बना के दिखाएंगे, काम जो हम कह रहे हैं वो आप बरसात में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बरसात में जैसा अभी ढेर सारे फूल आ जाए और उसके बाद में फिर रुक जाता है। तो भैया देखो इस समय मैंने ऐसी कटिंग करी है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे सामने बिल्कुल कटिंग कर दी मैंने इस पौधे की। अब कटिंग के बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे गमले की जो है वो इस मिट्टी की जान तो गई बिल्कुल निकल, अब इसे दूसरे गमले में पलटी करेंगे।
तो हमारी पलटी करने का जो तरीका होता है वो आप लोगों को बता रहे हैं कि देखो इस तरकीब से हम जो है आराम के साथ इसकी पलटी करेंगे। तो क्योंकि गमला भी जो बहुत पुराना हो चुका है, 2 साल हो गए इस गमले में चलते हुए पौधे के लिए, तो आप इस तरह से नीचे डालोगे पौधे के लिए, और जब ज्यादा आराम ले जाता नहीं है तो बस फुल तागात से इस तरीके से आराम से पौधा निकाल दो कि देखो इस तरकीब से मैंने ये निकाल दिया। अब गमला भी मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से खाली हो गया और ये गमला भी मेरा बिल्कुल टूट गया क्योंकि जड़ ज्यादा आ गई। अगर ज्यादा पुराना पौधा हो जाता है तो इस तरीके से गमला खुद ही पौधा तोड़ देता है गमले के लिए। तो आप गमला चेंज इस तरकीब से करना है। तो मैं ये गमला तो अभी अलग को रख लिया हूँ जी, अब इसमें नया गमला डालूंगा भैया। तो इसका क्या होता है कि आप सामने देख रहे हो जितनी जड़ भी आई हुई है, अब जो पौधा दम इसीलिए नहीं देता और नहीं ये तागात बनाता क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जड़ आ गई। देखो ये वाली, ये जड़ के मारा बिल्कुल अड़ा पड़ा है पौधा। तो हम क्या करते हैं कि इस तरकीब से इसकी हल्की हल्की मिट्टी उतारते हैं इस तरकीब से। तो भैया इस तरकीब से इसके गमले की पलटी आराम से के साथ कर दो और कोई भी पौधा आपका बिल्कुल भी 19-20 नहीं होगा, नहीं खराब होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो तड़े पैसे ये जारी की गुट्टियां हैं वो भी सब निकाल दे रहा हूं मैं। तो हम लोग जो है ज्यादा फूल लेने के लिए जे जे काम करते रहते हैं। तो देख रहे हो आप कितनी सारी जड़ है इसके अंदर। तो ये मैं बिल्कुल अच्छी तरह से इस पौधे को बना दूंगा। अगर ये जड़ कट जाएगी तो ऐसा मान के चलिए कि आप इतनी तेजी से भागेगा पौधा, इसका कोई जवाब नहीं होगा और पौधा बिल्कुल घना और हेल्थी और फूल के मारे, ढेर सारे फूल के मारे भर जाएगा। तो ज्यादा फूल लेने के लिए जे जे आपको काम करना पड़ेगा भैया, बिल्कुल साफ सुथरा पौधा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब ऐसा मान के चलिए आप ये पूरी साल तक इतने सारे फूल देगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो देखो मैंने इस पौधे को बिल्कुल अच्छी तरह से कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर और नीचे पौधा मरेगा भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसकी नई मिट्टी बनाएंगे। तो भैया देखो मैं ये वाली मिट्टी लाया हूँ, बिल्कुल खेत वाली मिट्टी है जे, और ऐसी मिट्टी है बिल्कुल हल्की वाली है ये, बिल्कुल ऐसा जैसा बालू सर रेता वाली मिट्टी होती है वही मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं हम गमले में ज्यादातर, क्योंकि मोटी मिट्टी में नहीं जड़ दब जाती है और ज्यादा वैसी टेट मिट्टी होती है उसमें जड़ दबेगी, और जो हल्की मिट्टी डालेंगे उसमें हमारा पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया चलता है। तो मेरे पास में भैया जे वाली एक मिट्टी है और वो मिट्टी मैंने अलग कर दी है। अब मेरे पास में ये वाली बर्मी कंपोस्ट वाली खाद है, आप सामने देख रहे होंगे। तो हम करीब में वैसा तो डालने को आप जितनी क्षमता हो उतनी डाल लो, वैसा ज्यादातर अगर इस खाद का अगर आप इस्तेमाल करोगे मिट्टी में, अगर इससे बराबर की भी डाल दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ी बहुत कम भी डाल दोगे तब भी, क्योंकि मिट्टी जानदारी होनी चाहिए। मैंने ये देखो बिल्कुल अच्छी तरह से बर्मी कंपोस्ट वाली खाद डाल दी, अब जो मैं बहुत अच्छी तरह से मिलाऊंगा इसे। अब जितने आप मिला लोगे इसे उतना ही आपका पौधा दमदार और सुरक्षित और बढ़िया रहेगा। तो मिट्टी बनाने का भैया देखो शुरुआत में ये तरीका होता है। अगर आप लोगों की अगर मिट्टी अगर बढ़िया करके अगर पौधे के लिए बना लोगे तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब गुड़हल के पौधे से फूल लेते हैं तो आपके यहाँ नहीं आए, बिल्कुल आएंगे। तो मैं जो है ये वाला गमले लिया है, मैंने नया गमला है ये, अब इसके अंदर काफी सारे छेद हैं आप देख रहे होंगे, और ये छेद इसीलिए रखते हैं कि इसके अंदर जो वाटर लेवल होता है वो पानी आराम से पकड़ लेता है। तो हम जो है इसके अंदर कुछ गूटी वगैरह डालते हैं क्योंकि छेद के हिसाब से, जिससे ऑक्सीजन पौधे की मिलती रहनी चाहिए और पौधा सुरक्षित और बढ़िया चलता है। इस वजह से मैं इसके अंदर देखो ये वाली मिट्टी डाल रहा हूँ। अब ये मैंने मिट्टी आराम से डाल दी। अब मिट्टी डालने के बाद में आप लोगों को जिस तरकीब से जे मैं गुड़हल का पौधा पलटी करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अगर आपके और भी पौधा हो इस हिसाब के, जैसे फूल का बहुत से सारे पौधे होते हैं फूल के, और वे पुरानी मिट्टी में अगर दबे हो 1 साल पुरानी में, तो आप लोग इस तरकीब से उनकी सारों की पलटी करा दो इस समय, क्योंकि जो फरवरी का वही महीना चल रहा है और इस समय आप पलटी कर दोगे तो ऐसा मान के चलिए आपका होली के महीने में हर एक पौधे पर फूल आ जाएगा, और फिर उसके बाद में पलटी करोगे तो पौधा झटका भी मानेगा और ड्रोपलेशन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर मरने के चांस होती है, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है और पौधा फूट का आ जाता है। तो इस समय पौधा फूटना चालू हो गया है, और आप इस समय जो भी आपके पास में पौधे हों, चाहे बेला के हों या गुड़हल के हों, और भी बहुत सारी वेराइटी है, चांदनी वगैरह है, कनेर वगैरह है, तो इस चीज़ की आप बिल्कुल पलटी कर दो।
कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये बिल्कुल आराम से रख दिया पौधा। तो भैया जो मैंने देखो इस तरकीब से ये पौधा रख दिया इसमें, और इस तरकीब से आराम से रख दो पौधा और तुम्हारा बिल्कुल पलटी हो जाएगी पौधे की और नहीं कोई झटका मानेगा। अब मैं इसमें जो मिट्टी बनी हुई है वो आप लोगों के सामने भर रहा हूँ इस गमले में, तो इस तरकीब से पूरी पलटी हो जाती है गमले की। बस अब मैंने ये पूरी मिट्टी भर दी, अब आराम से इस तरकीब से ठाट देता हूँ इसे, क्योंकि हम लोग तो जो है 500 गमलों के हिसाब से भरती हैं, ये पौधा तो नहीं है हमारे यहाँ, वो तो हम फिर तो आप सारी पलटी पलटी कर रहे हैं। तो भैया जी मैंने आपके सामने ये पौधा पलटी करके दिखा दिया, अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, तो आप लोग उस समय पौधे पलटी करोगे तो उस समय आराम से ये पूरा गमला भर दो पानी से, जैसे मैंने इस तरह से ये पूरा गमला भर दिया। और भरने के बाद में ऐसी जगह रख दो जहाँ धूप डायरेक्ट आ रही हो, और जब तक पानी मत डालना जब तक ये गमला पूरी तरह से खुश्की ना ले ले, और खुश्की ले लेगा नहीं तो इसकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी, और जैसे ही भुरभुरी हो जाएगी तो ये फूटना चालू हो जाएगा, जहाँ जहाँ से मैंने कट कराया वो बिल्कुल फूटना चालू हो जाएगा। और दो तीन दिन की धूप लगाने के बाद में इसकी निराई करके और धूप लगा दो, फिर उसके बाद में इस पर कलियाँ कलियाँ बननी चालू हो जाएंगी और कोई भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस तरह से आपका गुड़हल का पौधा सुरक्षित और बढ़िया रहेगा भैया। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे बीच बीच में हमारे गुड़हल के पौधे पे जैसे फूल नहीं आते हैं तो हम वो चीज़ आपको दिखाते हैं, तो वो चीज़ का हम टेस्ट बना के इस पर लगाते हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ। ये आप सामने देख रहे हो ये फिटकरी है, और हर एक के घर पर मिल जाती है, जो किचन में सबके घर पर होगी, ऐसा दिक्कत नहीं है। तो आप थोड़ी सी फिटकरी ले लीजिए करीब 20 ग्राम के आसपास में, और इस तरीके से मैंने ये 20 ग्राम के आसपास में ले ली और इस पानी में आराम से डाल दूंगा मैं इसको, मैंने डाल दिया है। अब डालने के बाद में इसे देखना है कि आप अच्छी तरह से घोल दीजिए। आप एक तरीका देख लियो कि ज़्यादा ये फिटकरी का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत ना के बराबर होता है, आप कभी में ज़्यादा कभी मत डालना पौधे के लिए, और आपके जितने भी पौधे हों फूल के तो वो आप थोड़ी थोड़ी पानी सभी में डाल दो, जिससे पौधा की जो होता नहीं है वो फूल में कमेंट होना चालू हो जाता है। और ये तजर्बा हमने बड़ी अच्छी तरह से करके देखा है, इसीलिए हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। तो आप अगर चाहोगे तो इस चीज़ का एक बार इस्तेमाल करके देख लियो, जब फूल नहीं आए जब। तो ये मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है भैया, अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ कि जिससे मेरी गुड़हल पर खूब ढेर सारे फूल आए। तो मैं अभी इसको डाल रहा हूँ भैया, तो देखो मैंने ये आराम से डाल दिया इसमें पानी, और तो मैंने भैया जितना डाला है जितनी पौधे की ज़रूरत हो, और पानी ये बना के जब ही डालना है जब आपका गमला बिल्कुल खुशक होना चाहिए, पानी लगा हुआ गमला नहीं हो, नराई गुड़ाई करने के बाद में और खुशक गमला हो, और आप थोड़ी फिटकरी का इस्तेमाल करके और एक बार डाल दो। जे नैया का फिर बार बार डालते रहो, जे महीने में 2 महीने में 4 महीने में पड़ता है पौधे पर इसका टेस्ट जो बना के डालते हैं हम, क्योंकि वो डालते हैं इसलिए कि हमारे पौधे पर फूल आना चालू हो जाए। और हमारी अगर आप लोगों को वीडियो अगर भैया अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भैया।